अच्छा जी, आज हमारा इस सेशन का लास्ट हमारा है लेक्चर। तो इसमें बेसिकली तो हम जो भी जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उसी को जैसे एक तरह से रिपीट, यानी हमारा इस कोर्स का जो मकसद था कि आपको मीडिया की इम्पोर्टेंस से अवेयर किया जाए। जाहिर बात है, जिस तरह क्योंकि आपने ये एक दीनी कोर्स ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने का आपके मकसद में ये चीज़ ज़रूर शामिल होगी कि हम न सिर्फ इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें बल्कि आपकी ख्वाहिश भी होगी, इंशाल्लाह आप कोशिश भी करेंगे कि इसको बाकी लोगों के लिए भी आप मुफीद साबित हों, उनके लिए भी आप उनको प्रोपिगेशन का काम कर सके। उसके लिए एक टूल के तौर पर हमने मीडिया को डिस्कस किया कि आज जैसे आपके पास तकरीर का फन होता है, तालीम का फन होता है कि आप लोग कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और इसी तरह आप लोग कोई ऑनलाइन क्लास पढ़ा सकते हैं, कोई इदारा बना सकते हैं, किसी पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हैं, मतलब कोई दरस तकरीर वगैरह करते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको हम कोशिश की कि आपको इंट्रोड्यूस कराया जाए कि मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं वो भी आपके लिए एक टूल है। हर तरह का मीडिया प्लेटफॉर्म हमने इम्पोर्टेंस के बाद हमने इसको डिस्कस किया कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और फिर सोशल मीडिया, ये हमारे लिए कितने अहम टूल हैं, और फिर इनकी इम्पोर्टेंस के साथ साथ अगले मरहले पर हमने इन प्रैक्टिकल यूजेज के हवाले से चंद चीज़ें डिस्कस की। जाहिर बात है हमारे पास इतना टाइम तो नहीं था कि हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके भी जाते और उनको मजीद प्रैक्टिस करते। अमूमन अगर क्लास हो और इस तरह का एनवायरनमेंट हो तो इसको प्रैक्टिकली सीखना भी चाहिए, जैसे लैब वर्क होता है। लेकिन क्योंकि आप हमने कोशिश सिर्फ ये कोशिश थी कि आपको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, बाकी आप इंशाल्लाह जरूर उम्मीद है कि इससे ये फायदा लेंगे कि आप लोग मजीद इसको सीखने की कोशिश करेंगे, इस तरह इस पे उबूर हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। जी, इसी तरह फिर हमने इन सारे मीडियाज के प्रैक्टिकल फॉर्म के बाद फिर हमने एक प्रोपेगंडा की डिस्कशन की बहुत एक डिटेल से कि मीडिया, तमाम तरह के मीडिया जो होते हैं वो किस तरह अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, जो इनके पास वसाइल ज्यादा हैं, जिनका मीडिया पे कंट्रोल है, वो किस तरह काम करते हैं, उस पर हमने बड़े डिटेल 3 से 4 लेक्चर में बात की। और आखिरी जो लेक्चर था हमारा वो ये था कि अब हमें एक टीम वर्क के तौर पर किस तरह काम करना है और आगे बढ़ना है, मीडिया में काम करना है, तो ये इसके हवाले से भी बात की गई। तो एक चीज जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको हिंट दिया था, बल्कि वाजे किया था कि जो फाइनल टर्म है आपका, मतलब वो कोई इस तरह वाइवा इस तरह का कोई पेपर नहीं होगा, ठीक है, जिससे कोई वो जैसे होता है ना कि आपका क्विज इस तरह करके नहीं होगा, बल्कि आप में से हर कोई कोई एक मीडिया जो है ना प्रोडक्शन कर देगा, मसलन किसी भी मीडिया पर, मसलन आप में से कोई किसी टॉपिक पे अच्छा आर्टिकल लिख सकता है, अगर मुझे डिस्कस कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, आप अपने इंटरेस्ट के टॉपिक, चलिए उस पर बात कर लेंगे किस तरह होना चाहिए अच्छी आर्टिकल, तो या तो आप कोई आर्टिकल लिख देंगे या आप कोई वीडियो बना देंगे, इवन कोई वीलॉग बना सकते हैं, आप में से कोई कोई छोटी सी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बना सकता है, इवन किसी किताब के बारे में, किसी शख्सियत के बारे में आप छोटी सी शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं, हत्ता के मतलब आपके इस एक्सपीरियंस के बारे में आप कुछ बना सकते हैं, कि किसी खास टॉपिक पे आप बना सकते हैं, मसलन वालदैन की अहमियत या यूरोप की जो मगरब की जलगार है, ये मीडिया की नेगेटिविटी, जिसके बारे में टॉपिक लेकर, जैसे कि आपकी असाइनमेंट होती है, ठीक है, लेकिन आप उसको मीडिया फॉर्म में लेके आएंगे, ऐसी फॉर्म, वो आर्टिकल हो, वो ग्राफिक फॉर्म हो, या वो वीडियो फॉर्म हो, या वीलॉग किसी भी फॉर्म में हो, जिसको हम किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको बाकायदा शेयर भी कर सकें और वो एक एक तरह से दावती मटीरियल हो। अब उसमें टाइम वगैरह तो शायद इंतजामिया से मैं पूछ लूंगा कितना टाइम अवेलेबल है, कब तक हमने रिजल्ट फाइनल करना है, लेकिन कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके, ये कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, एक आधे
चंद दिनों में अगर आप करके वो जल्द से जल्द आप भेज दें तो इंशाल्लाह उसी की बेस पे हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, आज हम बस इस सारी डिस्कशंस को वाइंड अप करते हुए हम बस चंद जो बातें करेंगे कि देखिए, मीडिया ने सियासत, माशरत, जहन साजी, इसको मुकम्मल तौर पे होल्ड कर लिया आज के दौर में। जो सोसाइटी का मोस्ट, यानी एक तरह से कह लें इन्फ्लुएंशियल टूल है, कि एक तरफ लोगों की बड़ी दौलत भी है। अब देखिए, अगर हम ये कैलकुलेशन करें ना कि दौलत किसके पास है, तो हो सकता है जो हमारे मुस्लिम मुल्क हैं, यानी ये तो नहीं कि चलो सबसे ज्यादा नहीं भी, लेकिन उनके पास भी कोई कम दौलत नहीं है। आपके अरब कंट्रीज, मलेशिया, इंडोनेशिया और बहुत से मुस्लिम कंट्रीज, वो बहुत ज्यादा दौलतमंद है, लेकिन उनका असर सुख नहीं दुनिया में, असर रसूख इतना ज्यादा नहीं। आबादी की बहुत ज्यादा है, हम दुनिया में तकरीबन 1.5 अरब के करीब करीब मुसलमान हैं, लेकिन आबादी ज्यादा है, वसाइल भी मौजूद हैं, ममालिक आपके 56 ऐसे ममालिक हैं जो क्लेम करते हैं कि हम बाकायदा मुस्लिम कंट्रीज हैं, उनके नामों में के साथ लिखा गया है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया मुख्तलिफ मुल्क, ठीक है, इस्लामिक स्टेट्स फलां, इस्लामिक स्टेट्स फलां, और वो बाकायदा एक तंजीम की भी रुकन है जो इस्लामी ममालिक की तंजीम है, OIC। लेकिन इसके बावजूद उनका कोई असर रसूख नहीं है दुनिया में, कहीं पे वो इन्फ्लुएंस नहीं रखते, दुनिया उनके कल्चर की बजाय वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती है, उनके अपने यहाँ लोग, उनकी अपनी औलादें, उनके अपने बच्चे, वो उनके कल्चर को फॉलो नहीं कर रहे, वो किसी और कल्चर को फॉलो करते हैं। तो इस सूरत हाल की वजह, बड़ी वजह क्या है कि ये नहीं है कि कोई वहाँ वसाइल की कमी है, ये भी नहीं है कोई तादाद की कमी है, वहाँ पे बड़े बड़े इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, एक सिस्टम चल रहे हैं, हुकूमतें हैं, इख्तियार है, फौज अफवाज हैं, सब कुछ है, लेकिन मीडिया पावर नहीं है। आप नजरियाती तौर पर अपनी लोगों को, अपने आवाम को, अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को अपने नजरिए से जोड़ने में मुश्किल पेश आ रही है। वो आपके घरों में पैदा होते हैं, वो मुसलमान हैं और अपने आप को कहलाते भी मुसलमान ही हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल, उनके जहन, उनकी रसूमात, उनकी रवायात और उनकी उनका जिंदगी गुजारने का तरीका, वो वेस्टर्न है। ना सिर्फ देखिए, एक चीज है मॉडर्न हो जाना या नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, ये कोई बुरी चीज नहीं है, इसमें तो सब इसकी हिमायत करते हैं हम, यानी जो भी टेक्नोलॉजी आई है उसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन जब नजरियात में भी और सोच में भी फॉलो कर लिया जाए तो फिर खतरनाक बात होती है, और ऐसा हो रहा है इस्लामी दुनिया के साथ भी ऐसा हो रहा है। तो और ये सब कुछ कौन कर रहा है, ये किसके जरिए हो रहा है, इसका बड़ा प्लेयर मीडिया है, कि मीडिया के जरिए माशरे में असर रसूख बढ़ाया जा रहा है, मीडिया के जरिए जहन साजी की जा रही है। और किसी भी माशरे में कोई कितना फाल है, कोई तबका, कोई तंजीम, कोई इदारा, कोई शख्स, वो कितना फाल है और माशरे के लिए मुफीद है, इसका मेयार भी यही है कि वो मीडिया में कितना एक्टिव है, ठीक है। बाज़ुकात बहुत बड़ी तंजीमें, मसलन पाकिस्तानी माशरे के बारे में हम बड़े यानी वसूख सा भी कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद दीन को फॉलो करने वालों की भी है, यहाँ पे इस्लामी तंजीमों के इजतमात बहुत बड़े बड़े होते हैं, लोग नमाज भी पढ़ते हैं, जुमा के इजतमात भी होते हैं, जाहिर बात है जो जुमा के इजतमात में जाते हैं उनके जहन में कहीं ना कहीं दीन तो है, लेकिन इसके बावजूद माशरे की जो शेप नजर आती है, माशरे का जो एक एक चेहरा या उसका रुख नजर आता है, वो इस्लामिक नहीं है, आप इस्लामी तौर पर होल्ड नहीं कर पा रहे, तंजीमें इतना असर रसूख नहीं रख पा रही, तो इसकी वजह यही है कि मीडिया में प्रेजेंस नहीं है, या मीडिया आपको अहमियत नहीं देता, मीडिया आपकी चीजों को फॉलो नहीं करता, बल्कि वेस्टर्न और सेकुलर उस तर्ज जिंदगी को ज्यादा प्रमोट कर रहा है, तो ये एक बड़ी वजह है, ठीक है। फिर इसी तरह नौजवान नस्ल जो है, क्योंकि किसी भी माशरे का, किसी भी एक तबके का, किसी कौम का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल होती है, और फिर वही आगे लीड भी करती है, और वो फिर
अगर हम देखें जो बल्कि अभी हमारी लोग अब यानी नौजवान हो के अब तो वो अपने घरों को संभाल रहे हैं, तो इन्होंने एक यलगार देखी है मीडिया की, इस वजह से उनके जहन मरूब हैं वैसे सेकुलरिज्म से इलाहाद तक से, और वो अपने आप को दीनी तबके से जोड़ना। देखें हम जैसे पहले भी बात हुई थी कि एक जो वॉर ऑन टेरर शुरू हुई है ये तकरीबन 2000 का इरा है, 2000 सन 2000 यानी 24 साल पहले ये वॉर ऑन टेरर का मामला हुआ था। अब आप गौर करें कि 24 साल पहले जो बच्चे 7 to 18 ईयर के थे, आज वो मतलब कितने सालों के हो चुके हैं, वो अराउंड अबाउट 42 ईयर्स के हो चुके हैं। अच्छा, इन बच्चों के जहन में मीडिया की यलगार हुई है, एंटी इस्लामिक, और इनको दूर करने के लिए कोशिशें की गई हैं, सब तरह का मीडिया यूज किया गया, वो चाहे फिल्म हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे रेडियो हो, चाहे सोशल, इस दौरान या फिर जो शेप नजर आती, तो जो पिछली गुजरी है और एक नस्ल जो आने वाली नस्ल है मीडिया, इन्होंने जो सीखा है वो मीडिया से सीखा है, इन इन ये जो अगर मुतासर भी हुए हैं तो मीडिया से मुतासर हुए हैं। इवन इन्होंने इनके नजदीक हीरो, इनके नजदीक माशरे के अहम लोग वो ही हैं जो मीडिया पे आ रहे हैं, तो इनकी वजह से माशरे में एक तरह से असर नजर आता है वेस्ट का और सोशलिज्म। ठीक है, इसी तरह अगर कोई जमात अपना नजरिया फैलाना चाहती है, ठीक है, या आवाम में एक नया अपने नजरियात को जैसे आप हैं अमल करें दीनी है, तो उसको जिसमें काम करेंगे तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। अब देखिए ये एक ट्रेंड्स की दुनिया है, मीडिया में जो चल रहा है वही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है और वही चीज मीडिया में छा जाती है। ठीक है, आज के दौर का जो सबसे अहम मीडिया है सोशल मीडिया, तो उसका मकसद ही ये था कि नौजवान नस्ल को या एक लोगों को इस तरह मसरूफ कर दिया जाए कि वो अपने मकासद से हट जाए और वो एक वेस्टर्न सकाफत को फॉलो करें। अब हमें ये लोग, ये हकीकत है कि ये तो नहीं है कि लोग गैर मुस्लिम हो रहे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि लोग गैर मुस्लिम कल्चर को और उसको वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं, तो ये, और फिर ये भी एक प्रोपेगेंडा की गेम है, और जो नौजवान नस्ल को इस्लामी उलूम से दूर किया गया वो समझते हैं। यानी आप हैरान होंगे कि पिछले दिनों एक वाकया हुआ, शायद आप में से किसी ने भी देखा हो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक जगह पे कहीं किसी टीचर एक को सजेस्ट करनी थी कि आप स्टूडेंट्स की तरबियत के लिए क्या मटेरियल रिकमेंड करें, तो उन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्म रिकमेंड की। उनके ख्याल में अगर बच्चों को सिखाया जा सकता है तो सिर्फ हॉलीवुड बॉलीवुड से, बच्चों को कोई चीज नहीं सिखानी है तो उसके लिए भी वही चीज जरूरी है, बच्चों को अगर आपने कोई मॉडर्न बनाना है, बच्चों को कोई स्किल सिखानी है, बच्चों को इखलाक सिखाना है, हालांकि इसके लिए तो होना ये चाहिए था कि हम अपने दीन से इखलाक सीखें, अपने नबी करीम सल्लम की जिंदगी से इखलाक सीखें, इखलाक सीखें, सुन्नत से सीखें, लेकिन उसकी बजाय ये कहा जा रहा है कि नहीं आप हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्मों से सीख। ठीक है, तो मीडिया जो कि पहले सिर्फ तफरी और मालूमात का जरिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मीडिया अब माशरे में असर रसूख और माशरे को कंट्रोल करने का जरिया है, और इसी का इजहार हम देख भी रहे हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, हम इस को हमने इस सेशन को वाइंड अप करना है, तो इतनी सी बात पे किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, इवन ये लास्ट क्लास है इसमें कोई फीडबैक हो आप बात कर सकते हैं, मेरे पास 5-7 मिनट हैं।
जी किसी का कोई अस्सलाम वालेकुम सवाल सर। हो, किसी ने, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। सर मैंने पूछ रहा था आप रिटर्न मटेरियल देंगे जैसे आपने पिछली जी, दफा हमें दिया आवाज आ था। रही है, आप बोल। मैंने कहा आपने जैसे पिछली दफा हमें अच्छा रिटर्न नहीं, मटेरियल मैंने दिया पता था। है कि सुने सुने पिछली दफा तो आपका एक पेपर होना था ना, या आपका वाइवा होना था, तो मैंने जी आपको सर। उसके मुतालिक सारा मटेरियल दे दिया था। मैं कह रहा हूँ कि अभी आपका कोई वाइवा नहीं होना, हमने इस मिड टर्म के बाद के जितने भी लेक्चर दिए हैं, ये या तो हमने प्रैक्टिकल सीखने की कोशिश की है, उसकी प्रेजेंटेशन आपके लेक्चर आपके पास मौजूद है, या हमने एक प्रोपेगेंडा या उसकी चीजों को डिस्कस किया है। अच्छा, और आपका कोई हम फाइनल पेपर नहीं लेंगे, मतलब मैंने बार बार कहा कि हम पेपर कोई नहीं होगा, आप कोई भी एक चीज कुछ प्रोड्यूस करेंगे, वो आर्टिकल हो, वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री हो, जो तो क्या किसी टॉपिक को मसलन माशरे में बेरा, या आप कहेंगे खानदान क्यों टूट रहे हैं, और ऐसे वाक्यात को लेना, या इल्हाद क्या बढ़ता रुझान और इसका तदारक कैसे मुमकिन, यानी कुछ ऐसा लिखे जो आपकी तरफ से हो और आप उसको शेयर भी करें, और वो आपकी तरफ से एक मतलब प्रेजेंटेशन होगी, या आप उसको कह लें कि हाँ, अगर ये कहा कि आप यानी उसको बकायदा कंडक्ट भी करना हो आपने जो फाइनल पेपर को, तो फिर हम उस जो भी आप चीज बनाएंगे हम उसी का वह बनेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो हम उसी पे बात करेंगे, कोई और रिटर्न यानी इस तरह बुकिश या थ्योरेटिकल चीज पे बात, यानी आपकी यानी कोई मेमोरी का टेस्ट या उस चीज पे नहीं। मैंने रिटर्न लिखने लोगों ने दिया, उसमें तो कुछ क्वेश्चन किए गए थे ना, ये क्या है, ये फला चीज क्या है, लेंगे जो प्रोजेक्ट बनाएंगे, अब उसको प्रोजेक्ट कह लें, वीडियो कह लें, आर्टिकल कह लें, या कोई प्रेजेंटेशन कह लें, उसी पे हम बात करेंगे, और हर एक का अलग अलग हो सकता है, आप अपनी मर्जी से तैयार कर सकते हैं। इवन आपने आपकी जो फील्ड है आप उसके मुतल्लिक कोई चीज भी तैयार कर सकते हैं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात करनी हो, इवन कोई फीडबैक हो आपका, क्योंकि ये हमारी क्लास क्लास है, तो उसमें हम आपकी तरफ से अगर कोई अच्छी सजेशन आ जाए, कोई बात आ जाए, चलो इसको इम्प्रूव करने के हवाले से बात आ जाए। सर ओवरऑल कमेंट करेंगे कि एक अच्छा था आपने माशाल्लाह हमें इसको अच्छा है क्लियर किया। और सम टाइम हम उन चीज़ों को ज़रूरी ही नहीं समझ रहे होते स्पेशली हमारे टाइप के शायद लोग, तो आपने ये अच्छा किया। और ये वाला टॉपिक लिखने वाला ये भी मुझे बात अच्छी लगी है कि ठीक है इसको इस तरह से कुछ हम क्रिएट करें। देखिए, जो इस पूरे सब्जेक्ट का ना एक बड़ा मकसद तो हो सकता है, तो वो यही है कि आपको एक तरफ तवज्जो दिलाई जाए, और अब आप अपना जो आपने नॉलेज सीखा है दीनी, जो अपने हदीस का इल्म सीखा है, आप देखें, आप मैं बड़ी वाज तौर पर कहूँ कि आप लोगों से डिफरेंट हैं, आप वो लोग जैसे आप में से कोई इंजीनियर है, आप में से कोई, जैसे मुझे नहीं पता आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है, आप लाइफ जैसे कोई आईटी एक्सपर्ट हो सकता है, कोई डॉक्टर है, कोई गवर्नमेंट जॉब पे है, कोई प्राइवेट जॉब पे है, कोई इवन स्टूडेंट है, अच्छा, लेकिन आपने साथ साथ दीनी तालीम सीख लिया, अब आपको उस पर अबूर है, आपने तारीख पढ़ी है, आपने अदीस पढ़ी है, आपने मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं आपके, आपको ज्यादा पता है मेरे से, तो अब आप उनकी बेस पे सोसाइटी को गाइड करना शुरू करें, ठीक है। जब सोसाइटी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका फर्ज है ना कि आप उसका सोल्यूशन दीन से दें, इखलाकियात के मतलब चीजों के मतलब, और इसी तरह आप क्योंकि आपने दीन पढ़ा हुआ है, तो कहीं दीन पे अटैक होता है, कहीं दीन के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, कहीं इस्लामिक चीजों लोग उस पे अटैक उसको नेगेटिवली लेते हैं, मसलन लोग कहते हैं कि मदारस का में एक आउटडेटेड चीज है, ये
इन लोगों को दुनिया दिन का दुनिया का क्या पता है, ये लोग तो बस दुनिया से कटे हुए हैं। लेकिन आप लोगों ने बकायदा उन्हीं लोगों से पढ़ा है, यानी आप में से जैसे मैं कुछ दोस्त से पिछली दफा जब डिस्कशन हुई थी, वो फॉरन में काम करते हैं या किसी अच्छी कंपनीज में काम करते हैं, अब आपका इंटरेक्शन हुआ है मदारस वालों के साथ, अब इस एक्सपीरियंस पर कुछ लिख सकते हैं कि जी आ, 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 क्या क्या वाकई इनको दुनिया का पता है या बिल्कुल ये बहुत पुराने जमाने में रह रहे हैं। तो आपका ये कोर्स आप इस पे लिख रहे हैं, यानी ये कितनी अच्छी बात है कि आप अपने इस एक्सपीरियंस पे आर्टिकल लिखे हैं, वीडियो बना लिखे। नहीं, हमने तो ऑनलाइन पढ़ा है, बाकी ट्रेडिशनल एजुकेशन करते हैं हम उसी तरह से, हमने दरअसल भी पढ़ी है। तो ये एक बहुत लोगों को इससे मोटिवेशन होगी, हो सकता है आपके ही हल्का है बाप में से बहुत से लोग दफा एडमिशन लें। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जी मैंने क्योंकि ये पढ़ा सेटिस्फेक्शन मिली, मेरी जिंदगी में ये तब्दीली आई। मैं वीडियो या आर्टिकल या वीडियो बनाए अपने एक्सपीरियंस से और अपने अलका बाब में भी भेजें, यहाँ पे भी बताएं कि आपका ये इंटेंशन है ना। ट्रेडिशनल नहीं पढ़ा आपने, किसी मदरसे में जाके नहीं पढ़ा, बल्कि आपने ऑनलाइन पढ़ा है और आपने एक नया नॉलेज, एक नई चीज, एक नए अंदाज में सीखी है। इस बारे में आपको लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए या जो भी आप कर सके। ठीक है जी, चलिए हम इसको एक दफा क्लोज करते हैं, उसके बाद दोबारा स्टार्ट। आज की जो लाइफ है, जो हमारी एक नजरिया है, आजकल तो सब आप इस वाले से ज्यादा अपने डिटेल तरह से कुरान पढ़ते हैं और शैतान अपने अपने नजरियात की जाने, तो उसमें हमें अपनी तैयारी करनी है, ठीक है, और हमें अपनी माशरे की रवायात में तब्दीली के लिए कोशिश करनी है। हमने ये कोशिश नहीं है कि वजह से खुद को दीन से मुंसलिक नहीं रख पा रहे, या मतलब वो वैसे तो नाम के मुसलमान हैं लेकिन प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं। शायद हम में से किसी की कहानी भी ऐसी हो या आपकी किसी जानने वाले की कहानी ऐसी हो कि वो एक आम तरह की लाइफ, एक ऐशो इशरत की या गफलत की लाइफ गुजार, ठीक है, गफलत से मुराद कि वो दीनी चीजों को जो इस्लाम ने या हम दीनी वाले चीजें देखते हैं उनकी बजाय वो अपने उसकी जिंदगी में और तरह की चीजों अहमियत हो और वो एक जिंदगी में परेशान या एक और तरह की लाइफ गुजार, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में ये इंकलाब आए, वो दीन की तरफ आ जाए, वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। तो ये यही वो चाहते हैं ना, यानी हम ये चाहेंगे ऐसा हो हमारे इर्द गिर्द, हमारे बच्चे, हमारे जाने वाले, हमारे भाई, हमारी फैमिली मेंबर्स, हमारे दोस्त अहबाब, हमारी कम्युनिटी के लोग, हर कोई हम ये चाहेंगे कि वो दीन की तरफ आ जाए। तो जब हम तो फिर हम के लिए कोशिश भी करना, हम गोशानशीन नहीं हो सकते, हम छुप के या दूसरों से कट के नहीं रह सकते, हमें इसी माशरे में रहना है, इसी माशरे में जीना है, मुकाबला करना है और मुकाबला करके अपने नजरिए को साबित करना है और लोगों को कायल करना है कि आप इस तरह अगर वैसे रहेंगे तो आपको परेशानियां होंगी, आपकी जिंदगी में मुश्किलात होंगी, आप ज़हनी और समाजी परेशानियों का शिकार रहेंगे, अगर आप दीन की तरफ आएंगे तो आपको एक सुकून मिलेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और ठीक है, तो इसके लिए आपने कोशिश करनी है, ठीक, और इसके लिए जारी बात है जो मीडिया पे हम बात कर रहे हैं तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने सोशल मीडिया पे आप बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, आप क्योंकि इसके जरिए इशू हाईलाइट हो जाता है, आपको लिखने का मौका मिल जाता है, वक्त की कैद नहीं, जब चाहे लिख सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, अपनी मर्जी की चीजें कर सकते हैं, इवन
इसको एज ए कैरियर ले सकते हैं, आप आमदन कमा सकते हैं इसके जरिए, ठीक है, और साथ इनका भी काम होता रहेगा, साथ आमदन भी होती रहेगी। बहुत से कैरियर हैं इस पे कि आप जो दीनी तौर पर न सिर्फ काम करें और अपने लिए आमदन भी जनरेट करें। तो ये तेज तरीन है, ये बहुत मौसर है, इसके बारे में हमने बड़ा डिटेल से पढ़ लिया है। तो अब यानी आज के बाद, यानी अभी आपकी स्टडी रहती होगी शायद, ये 8 सेमेस्टर का है, मुझे पता नहीं है 8 सेमेस्टर होते हैं या 6 सेमेस्टर होते हैं। तो लेकिन जैसे ही आप अमली जिंदगी में जाएंगे, यानी कंप्लीट कर लें, तो इस पढ़ने का मकसद यही है कि आप इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए और सोसाइटी में काम के हवाले से। अच्छा, अब जब आपने करना है तो उसके लिए ये है कि जो सोशल मीडिया है, ये टाइम एंड स्पेस की गेम है। आप जितना बर वक्त लिख देते हैं और अपनी जगह जितनी बना लें, तो ये आपकी बात सुनेगा, ठीक है। यहाँ पे हर एक के लिए जगह है, कोई भी अच्छी चीज बनाएगा उसको ऑडियंस मिलेगी, लोग उसकी तारीफ करने वाले मिलेंगे, और उसको ऑडियंस मतलब उसकी चीज जरूर, अच्छी चीज जरूर ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए। ये आपका मकसद है ना कि आपकी चीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। उसके लिए जो जब भी आपने कोई चीज बनानी है या लिखना है, लेकिन लिख सकते हैं, ग्राफिक बना सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं, जब भी आपने कुछ करना है तो वो दिलचस्प हो, ठीक है। और सबसे पहले तो आप खुद अच्छे नाजर बने, नाजर से मतलब जो देखता है चीजों को, व्यूअर होता है, तो आप अच्छे व्यूअर हो, देखिए दुनिया क्या कर रही है, तो उसका आपने किस तरह जवाब देना है, किस तरह आपने अपना मटेरियल तैयार करना, फिर आपका जो भी मटेरियल आप तैयार करें दिलचस्प हो, मुख्तसर हो, क्योंकि आज के दौर में 1 मिनट या चंद सेकंड की वीडियो ज्यादा देखी जाती है, ठीक है। फिर उसमें एक अच्छा एनवायरनमेंट दिखाया जाए, आवाम की दिलचस्पी का ख्याल रखें, दीनी तौर पर भी लोग दिलचस्पी तब लेंगे जब उनके मसाइल पे बात होगी, उनके हल पे बात होगी। मतलब आज आप वीडियो बनाए, हमारे पास कुछ फीमेल्स भी हैं, कि बच्चों की तरबियत कैसे, एक बच्चा जिद्दी है तो उसका इलाज कैसे, बच्चों को माँ बाप का फरमाबरदार कैसे बनाए, ये लोगों के मसाइल है, ठीक है। अगर आप टेंशन या एक एंजाइटी या डिप्रेशन का शिकार है, तो उसका हल क्या है, इस तरह इस पे वीडियो बनाएं और इसका हल दीन से दें, लोगों के साथ काउंसलिंग करें, घर कैसे बचाए जा सकते हैं, घर का माहौल अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, और जो नौजवान लड़की हैं उनको नसीहत कैसे की जा सकती है, नौजवान लड़कों को क्या करना चाहिए, छोटे बच्चों, इस तरह के अवामी दिलचस्पी के मसाइल पे आप बात करें, वीडियो बनाएं, आर्टिकल लिखें, पोस्ट लिखें, कुछ भी शेयर करें, मटेरियल शेयर करें, क्वालिटी का ख्याल रखें, क्योंकि लोग अच्छी क्वालिटी की चीज देखते हैं, आप भी अच्छी क्वालिटी की दें, उसके लिए खर्च करें, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करें, अच्छे जो मतलब एक्सपर्ट हैं उनकी मदद से चीजें बनाए, वीडियो एडिटर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। फिर ताजा तरीन चीजों पर बात करें, क्योंकि लोग अमूमन जो चीज वायरल होती है, जो जिस टॉपिक पर लोग बात कर रहे होते हैं, लोग उसी के बारे में मौकफ सुनना चाहते हैं कि इस बारे में दीनी मौकफ क्या है, दीन इस बारे में क्या कहता है, और हमारा दीन इसमें रहनुमाई कैसे करता है, इस बारे में आपको करना चाहिए। और फिर बर वक्त, यानी ताजा तरीन भी और बर वक्त ले आए, जैसे कोई अगर इस्लाम पे इतराज हुआ है या किसी ने कोई ऐसी बात की है, तो ये नहीं कि उसका जवाब तैयार करते करते आप इतनी देर कर दें कि उस वक्त तक वो इश्यू खत्म हो चुका हो, बल्कि आपको फौरी और अच्छे तरीके से उसका बर वक्त जवाब देना, और उसमें फिर लिखने में या बोलने में फ्रेंकनेस होनी चाहिए आपके, इन लोगों को लगे कि हमारी बात कर रहे हैं और हमारे लिए बोल रहे हैं, तो आपकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, लोग इसको अहमियत देते हैं, कि बजाय ऐसे कि स्पॉट लहजे में बहुत ज्यादा यानी संजीदा मौजू होना चाहिए, रहनुमाई ठीक होनी चाहिए, लेकिन आपका अंदाज फ्रेंकली होना चाहिए और समझाने वाला और ऐसा होना चाहिए जिससे लोग मुतासर हो। फिर हमेशा मुस्तनद चीज दें, यानी सनद के साथ, कोई फेक चीज ना दें, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी और पूरे तबके की क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी। उसकी बजाय अच्छी मुस्तनद चीज दें साथ उसके, कि आप साथ उसका रेफरेंस कोड कर दें कि जी ये चीज ऐसे है और इस्लाम में ऐसे है और इसका हल ऐसे है वगैरह, ठीक है।
कभी किसी को रिप्लाई करना पड़े बहुत अच्छे, किसी कभी ये कोशिश ना करें किसी की इंसल्ट, ये तो इस्लाम ने बुनियादी उसूल बनाए बताए हुए हैं ना एथिक्स के, क्या क्या उसूल होते हैं, किसी का नाम नहीं बिगाड़ना, किसी कभी फेक नहीं बोलना, कभी जो है रॉन्ग इंफॉर्मेशन देनी, किसी को डिग्रेड नहीं करना, और हमेशा कोशिश करनी है कि अच्छे अंदाज में, वल मोइज्जतुल, सॉरी मेरी हो सकता है अरबी नहीं अच्छी हो, लेकिन जब भी किसी से बात करनी है एहसन अंदाज से करनी है, और इंतहाई तहम्मुल और का मुजाहरा भी, बाकी अखलाक से भी लोग मुतासर हों, आपकी बात से भी मुतासर, ठीक है। फिर मुख्तलिफ मौजूदात पे बात करें, तनवु होना चाहिए और एक वैरायटी होनी चाहिए मौजूदात की, तब आपकी चीज़ों को ज़्यादा अच्छा तरीके से सुना जाए, और कोशिश करें कि मुनफरद अस्लूब अपना लें, स्टाइल कह लें जिसको, जिसको अंदाज कह लें बात करने का, मुख्तलिफ तरह के अंदाज से जब बात की जाए तो उसकी ज़्यादा लोग असर लेते हैं, और यह दूसरों से मुनफरद हो, यानी ये नहीं है कि कोई एक स्टाइल है कि बस एक ही तर्ज पे बात किए जाएं, और आपकी बात में कोई दिलचस्पी ना हो, और तो लोग फिर इतना असर नहीं देंगे, बजाय इसके कि आप जो है उसको बात को अच्छे अंदाज से करें, ठीक है। तो एक अच्छी आपके लिए ये चीज कि जब भी आप चीज को तैयार कर रहे हो, जब बात कर रहे हो, तो वो एक अच्छी अंदाज, फिर अवाम की तर्जुमानी। देखिए बाज़ औक़ात क्या होता है, जैसे मैंने आप पिछले लेक्चर में बड़ा बात की थी कि आपको दूसरों का एक लीडर बनना है, मसलन आप में से कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई किसी और फील्ड से है, तो कोशिश करें कि अपनी कम्युनिटी के लिए काम करें, उसके मसाइल को सामने लेके आए, तो जब आपकी पॉपुलैरिटी ज़ाती पॉपुलैरिटी होगी तो आपकी दावत की पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। मसलन इसका इसकी मिसाल ये है कि चाहे कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, कोई बहुत अच्छा जो खिलाड़ी है, तो उसकी जो है ना बात को, दीनी बात को भी ज़्यादा सुना जाता है, लोग उसको इवन फॉलो करते हैं कि जी ठीक है। किसी ने लिखा है फैसल साहब ने कि गैर रवायती, बिल्कुल गैर रवायती से मुराद यही है कि आपका अंदाज जो है ना बिल्कुल वो जैसे कहते हैं उर्दू में मक्खी पे जो किसी ऐसा दिलचस्पी करने की कई अंदाज वाला चलें, ये हमारी कुछ डिस्कशन थी हमारे पूरे कोर्स के लिए अमल के मुतालिक, और पता नहीं कितना उससे फायदा, या आपने कुछ सीखा हुआ या के वाले से, वो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आप कोशिश करें, और जिससे दारे बात आपको दो तरह से फायदा होगा, यानी आपके लिए सदका जारिया भी बनेगा, आपको इसका सवाब भी जरूर होगा, और इसी तरह दूसरों की रहनुमाई का फीजा भी आप सर अंजाम देंगे, और जो चीजें किसी कोई परेशानी का शिकार है, कोई अपनी जिंदगी मुश्किल का शिकार है, तो आप उसको उसके निकालने की कोशिश करेंगे दीनी रहनुमाई के जरिए, दीनी तबलीग के जरिए जी। अब एंड पे किसी ने कोई बात करनी हो, कोई सजेशन देनी हो, जो लोग पहले बात कर रहे थे अब बात करना चाहें, कोई इवन अगले क्लास के लिए कोई सजेशन देना चाहें कैसा होना चाहिए, और इसको